हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। डिपार्टमेंटल क्वेश्चन जीडीसी, एलडीसी और जे पीवे के विभिन्न महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ इस सेशन की शुरुआत करने जा रहा हूं। और वीडियो के लास्ट में मैंने अपने चैनल के टॉप 5 व्यूवर्स के नाम को इंक्लूड किया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो पहला क्वेश्चन, LWR के साथ एक यार्ड में ट्रैक सर्किटिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इन ए यार्ड विथ LWR फॉर ट्रैक सर्किटिंग मेक यूज ऑफ। सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्लूड ज्वाइंट ऑफ G3L टाइप का उपयोग होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, PWI प्रभारी को एक बार ट्रेन से रात में गश्त करने की जांच कब करनी चाहिए? अर्थात द PWI इंचार्ज शुड चेक ओवर पेट्रोलिंग एट नाइट बाई ट्रेन वंस ए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए मंथ, महीने में एक बार करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, बी क्लास के लेवल क्रॉसिंग गेट में गेट कीपर्स की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? मिनिमम नंबर ऑफ गेट कीपर्स ऑन बी क्लास लेवल क्रॉसिंग शुड बी कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 होना चाहिए, 2 गेट कीपर। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रॉड गेज पर 3 डेटोनेटर को खतरे के स्थान से कितनी दूरी पर लगाना चाहिए? व्हाट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए डेंजर लोकेशन शुड 3 डेटोनेटर्स बी फिक्स ऑन ब्रॉड गेज? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1200 मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, पेटर्निटी लीव फॉर मेल रेलवे एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर। पुरुष रेलवे एम्प्लॉय के लिए पितृत्व अवकाश कितने दिनों के लिए मिलता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 डेज। क्वेश्चन नंबर 6, रिकमेंडेड थ्रो ऑफ स्विच ऑन बीजी, बीजी पर थ्रो ऑफ स्विच की गैप कितना मिलीमीटर होना चाहिए या होता है? ब्रॉड गेज में थ्रो ऑफ स्विच का गैप कितना होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 115 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, क्रॉसिंग के नोज पर अधिकतम अनुमेय वियर विंग रेल कितना है? मैक्सिमम परमिशन वियर ऑफ नोज ऑफ क्रॉसिंग विंग रेल इज। 4 ऑप्शंस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 mm। क्वेश्चन नंबर 8, आपातकालीन क्रॉसओवर होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए? 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, लुब्रिकेटेड ऑन द गेज फेस टू रिड्यूस डीरेलमेंट प्रोननेस। क्वेश्चन नंबर 9, TGI कैन नॉट एज्यूम द फॉलोइंग वैल्यू, TGI का मान निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता है?
ट्रैक ज्योमेट्री इंडेक्स TGI। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेस देन जीरो, जीरो से कम नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, रेडियस ऑफ 5 डिग्री कर्व इज, 5 डिग्री कर्व का त्रिज्या कितना होता है? इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए और वीडियो पसंद पड़े तो लाइक भी कीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 350। इसके बाद क्वेश्चन के लास्ट में प्रीवियस वीडियो क्यूज पार्ट 19 का मैंने पूछा था GFN स्टैंड फॉर, बहुत से दोस्तों ने इसका राइट आंसर दिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लास फील्ड नायलॉन। GFN एक प्रकार का लाइनर है जो ट्रैक सर्किट एरिया में लगाया जाता है। तो इसके बाद देख लेते हैं वीडियो के लास्ट में आज का क्विज, क्विज ऑफ द डे। स्लीपर स्पेसिंग ऑफ 60 सेंटीमीटर मींस स्लीपर पर किलोमीटर, मतलब अगर स्लीपर स्पेसिंग 60 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब 1 किलोमीटर में कितने स्लीपर लगते हैं। इसके राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन से वो टॉप व्यूअर्स हैं जो मेरे चैनल पर अपना कमेंट लाइक और शेयर करते रहते हैं। उनके नाम रितेश सिंह, आनंद कुमार, पवन कुमार, रंजन कुमार यादव और मुकेश कुमार, ये टॉप मेरे व्यूअर्स हैं। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि ये लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं। और सभी दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच आप सभी दोस्तों को मेरे चैनल से हमसे जुड़ने के लिए।